video is a Q&A video. You all commented so many things. You all wanted to know so many things about me. So, isliye main Q&A video bana rahi hu, so that you all could get to know all the answers that you all wanted to know about me. So, sabse pehle to thank you so much. Aap 3K plus subscribers ho chuke hain and it's all because of you guys. Aap sabhi itna zyada support kar rahe ho, isliye mera channel bhi grow kar raha hai. And jaldi monetization bhi ho jayega. So, thank you so much once again. And look, sabse pehle jo question pucha gaya tha, wo ye tha, Dee, where are you from? So, you all wanted to know ki main kahan se hoon. So, main Nainital se hoon, which is in Uttarakhand. Then, uske baad, Dee, aap kya kar rahe ho currently? So, ye question to bahut logon ne pucha tha ki Dee, aap abhi kar kya rahe ho? So, I am doing BSc. Normal BSc, plain BSc from BSB college, which is in Nainital. So, main bahar nahi gayi, main Nainital se hi BSc kar rahi hoon. And my subjects hain physics, math and geology. So, I dropped chemistry because teeno ko manage karna bahut zyada difficult ho jata hai. And main BSc sirf aur sirf graduation ke liye kar rahi hoon. As such, koi percentage 90 plus chahiye, 95 plus chahiye, aisa kuch bhi nahi hai. Normal 70 plus satisfied hoongi main itni percentage se. So, isliye main BSc kar rahi hoon and wo bhi Nainital se. देन उसके बाद मैंने जेई के लिए अप्लाई किया या नहीं किया या फिर किसी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया या नहीं किया. सो मैंने जेई के लिए अप्लाई नहीं किया एंड कई लोगों ने कमेंट किया था कि आपकी परसेंटाइल कितनी थी, आपने निकाला या नहीं निकाला जेई. सो मैंने जेई के लिए अप्लाई ही नहीं किया, तो निकालना तो बात की बात हो गई. सो मैंने अप्लाई नहीं किया जेई के लिए एंड किसी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी मैंने अप्लाई नहीं किया बिकॉज ये मेरी पर्सनल चॉइस थी. एंड I thought कि अगर मैं नैनीताल में रहूँगी so I could manage more things and yes I am currently managing many things. I am teaching tuitions, I am making YouTube videos, I am myself studying. So yeah, I thought कि मैं यहाँ रह के ज़्यादा manage कर सकती हूँ, इसीलिए मैं यहीं रही. And then उसके बाद भी आपने BSc क्योंकि BTech क्यों नहीं किया. BTech में engineering and all है जिसमें मुझे बिल्कुल भी interest नहीं है. I believe कि वही करना चाहिए जिसमें आपका मन हो. सो इसीलिए मेरा मन यहीं रहने का था, तो फिर मैंने यहीं से BSc की. And then उसके बाद आपका बोर्ड क्या था? तो मेरा बोर्ड स्टेट बोर्ड था, विच इज़ उत्तराखंड बोर्ड. उत्तराखंड बोर्ड से मैंने किया था एंड क्लास 10 तक मैं CBSE बोर्ड में थी. एंड मैंने बोर्ड क्यों चेंज किया उसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको कभी और बताऊँगी. सो उसके बाद कई लोगों ने कमेंट किया था कि दी इंस्टेड ऑफ PYQs अगर हम सैम्पल पेपर्स करते हैं सो विल इट बी बेनिफिशियल. सो मेरे अकॉर्डिंग आपको PYQs ही करने चाहिए सबसे पहले, सैम्पल पेपर्स आप बाद में करो बिकॉज PYQs से ही जो मैक्सिमम आपका पेपर है वो बनता है. सो अगर आपके पास टाइम है देन उसके बाद आप सैम्पल पेपर्स भी करो, बट सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही करने हैं. देन उसके बाद एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट है कि हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस. सो या आई बिलीव कि अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हो सो यू गेट द मोटिवेशन टू डू इट. सो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं खुद ही. सो मैनेज करना ऐसा कुछ होता नहीं है कि सुबह उठो देन ट्यूशन्स पढ़ाओ, यूट्यूब वीडियोज़ बनाओ, एडिटिंग करो, अपना पढ़ो. सो देन ऐसे निकल जाता है. सो हो जाता है सब कुछ मैनेज. एंड देन उसके बाद एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग दिस चैनल. सो फ्यूचर प्लान्स इस चैनल को लेके ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो चैनल ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था. स्टार्टिंग में मैंने वीडियोज़ डाली थी रिगार्डिंग रीजनिंग एंड वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाली थी बिकॉज उससे मुझे भी खुद लर्न करने को मिल रहा था. एंड उसके बाद तो मैंने एक वीडियो डाली हाउ आई स्कोर 100% इन PCM. सो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. एवरीबडी वॉन्टेड टू नो कि हाँ मैंने कैसे स्कोर किया 100 marks तीनों ही सब्जेक्ट्स में. सो उसके लिए थैंक यू सो मच. वो भी आप सभी की सपोर्ट की वजह से ही इतने ज़्यादा उसमें व्यूज़ आए. एंड अभी एज सच मेरा कोई फ्यूचर प्लान है नहीं चैनल को लेके, बट हाँ मैं रोज़ ऑलमोस्ट डेली अपलोड कर ही देती हूँ वीडियो सो दैट यू गाइज कुड गेट हेल्प. एंड देन उसके बाद व्हाट इफ यू वेक अप गेटिंग 100K सब्सक्राइबर्स. सो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा. अभी तो 3K है आई गेस. जब 1K हुए थे तभी मैं पगला गई थी एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन अगर मुझे पता चले कि 100K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मेरे चैनल पे. तो उसके बाद है हाउ मेनी आवर्स यू यूज टू स्टडी. सो ऐसा मेरा कुछ टाइम टेबल रहता नहीं था बिकॉज हमारा जो मन है वो रोज़ ही चेंज होता रहता है. कभी हमारा मन ज़्यादा पढ़ने का करता है, कभी कम पढ़ने का मन करता है. सो जितना भी आपका मन करता है उतना ही पढ़ा करो, ज़्यादा प्रेशर लेने की भी जरूरत नहीं है, इतना भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता है. एंड हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी. सो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी. मेरे 5 सब्जेक्ट्स थे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. इसके अलावा कोई भी मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं था. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो मेरे 100 marks थे, बट हिंदी और इंग्लिश में कम मार्क्स थे. बट इसका मतलब ये नहीं है मैंने पढ़ा नहीं था. इट वाज समथिंग बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज मेरे एग्जाम्स टाइम पे. बट मैंने हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी. लाइक 1 या 2 hours वीक में 3 days मैं पढ़ती ही थी हिंदी और इंग्लिश बिकॉज आई न्यू कि हिंदी और इंग्लिश भी उतना ही वेटेज रखता है जितने आपके बाकी सब्जेक्ट्स रखते हैं.
सो अभी से अगर आप स्टार्ट भी करते हो हिंदी इंग्लिश पढ़ना तभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. तो हिंदी और इंग्लिश को भी आप बिल्कुल निगलेक्ट मत करो बिकॉज वो भी आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बनाता है. सो 1 या 2 आवर्स वीक पे अगर आप 3 डेज भी पढ़ोगे तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. एंड या वन मोर थिंग, मेनी पीपल कमेंटेड कि आपके हिंदी और इंग्लिश में इतने कम मार्क्स आए हैं, आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती होगी. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरे मार्क्स क्लास 10th में 97 थे हिंदी में एंड 94 थे इंग्लिश में. बिकॉज मैं पढ़ती हूँ हिंदी और इंग्लिश और मुझे अच्छी भी लगती है, बट उस टाइम हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मेरे थोड़े से मार्क्स कम रह गए थे, थोड़ी नहीं बहुत, बट इट्स ओके, होती रहती है लाइफ में चीज़ें. उसके बाद वट इज़ योर एम? सो मेरा एम एज सच कुछ भी नहीं है. न्यूज़पेपर में हाँ डेफिनेटली प्रिंट हुआ था दैट आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, बट मेरा एज सच कोई भी ड्रीम नहीं है कि मुझे IAS ऑफिसर ही बनना है. बिकॉज मेरा मानना यही है कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन रहनी चाहिए. आप कुछ भी करो आपको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए एंड दैट्स इट. तो मेरा कोई एज सच एम नहीं है. एंड देन उसके बाद आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स. सो आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स. इट्स जस्ट दैट आई लाइक रीजनिंग, आई लाइक मैथ्स, सो मैं करती हूँ वो सारी चीज़ें भी. बट अभी मेरा कोई एम नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में भी देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर. तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती रहती हैं सबको ग्रैब करना चाहिए. सो एज सच मेरा नहीं है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए. देन उसके बाद डू यू वॉन्ट टू बिकम एन एजुकेटर? सो मैं एजुकेटर भी नहीं बनना चाहती हूँ. मैंने चैनल सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में बिकॉज आई गेट टू नो कि मेरी कजन थी, उन्होंने एक चैनल बनाया था. सो आई वॉज लाइक मैं भी बना सकती हूँ चैनल. सो मैंने एक वीडियो ऐसी अपलोड कर दी, मुझे पता नहीं था थंबनेल क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था मुझे. बट उसके बाद धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन यूट्यूब तब मुझे पता चला. एंड देन उसके बाद जब मेरा अच्छा रिजल्ट आ गया था तो आई थॉट कि मैं टिप्स वगैरह शेयर कर सकती हूँ बाकी लोगों के साथ भी, बस इसलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया था. एजुकेटर बनना ड्रीम नहीं है हाँ, बट लेट्स सी वेयर इट गोस. देन आई गेस इतने ही क्वेश्चन हैं. देन कई लोगों ने कमेंट किया था कि दी आप अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट दिखाओ, आप प्रूफ दिखाओ कि हाँ एक्चुअल में आपने इतना स्कोर किया था. सो मेरे क्लास 10th और 12th दोनों के ही जो मार्क्स हैं उनका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी, तो आप देख सकते हो कि हाँ एक्चुअल में मेरी इतनी ही परसेंटेज आई थी. आई एम नॉट लाइंग विद यू ऑल. सो इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए. आई होप जो भी आपका डाउट हो क्लियर हो गया हो. एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू नो अबाउट मी यू कैन कमेंट डाउन, आई विल आंसर टू इट. एंड मोस्टली मैं सभी के रिप्लाई कर देती हूँ. अगर किसी का रिप्लाई छूट जाता है सो आई एम रियली सॉरी बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, सबका रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको पसंद आया हो. आपके जो भी डाउट्स हैं यू वॉन्टेड टू नो अबाउट मी वो क्लियर हो गए हों. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.